नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राज के हम बात करने वाले हैं बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से निकल के आ रही नई बहाली के बारे में। दोस्तों बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से आप लोगों का जो है लगभग 10,000 पदों पे जो है नई बहाली आने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे जो सूचना आप लोगों का सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसमें जो पद रहने वाला है दोस्तों, वो आप लोगों का छोटा लेवल से लेकर बड़ा लेवल का यहाँ पे जो पद है वो आप लोगों का रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे इंजीनियर से लेकर चपरासी तक का यहाँ पे जो पद है वो आप लोगों का रहने वाला है। इसमें जो आप लोगों का पद रहेगा दोस्तों, वो हेल्पर का रहने वाला है, चपरासी का पद रहने वाला है, चौकीदार का रहने वाला है, यहाँ पे आप लोगों का क्लर्क का पद रहने वाला है, और भी बहुत सारा अलग अलग जो यहाँ पे पद है वो आप लोगों का इसमें रहने वाला है। अब किस तरीके से आप लोगों का बहाली प्रक्रिया होगा, किस तरीके से ये बहाली लिया जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हिमाचल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया गया कि किन किन पदों पर आप लोग का बहाली होगा और किस तरीके से यहाँ पे बहाली लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बता दोस्तों कि ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। इन दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रामीण कार्य विभाग में जो है 10,000 पद आप लोग का स्वीकृत किया गया है, जिसपे की आप लोग का बहाली यहाँ पे होने वाला है। नीचे आप लोग का जानकारी दे दोस्तों की ग्रामीण कार्य विभाग में बंपर बहाली होगी। विभाग ने 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इन दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल आप लोग का 10,147 पद यहाँ पे रहने वाला है। उसको बताया दोस्तों कि इसमें लगभग 6,000 पद अस्थाई तो 4,000 पद संविदा से भरे जाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का टोटल 6,000 जो पद रहेगा वो आप लोग का परमानेंट वाला यहाँ पे रहने वाला है, और 4,000 जो पद यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों वो आप लोग का जो है यहाँ पे संविदा आधारित यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद बताया दोस्तों की बहाली का प्रस्ताव विभाग की ओर से बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का बहाली जो रिक्तियां है उसका यहाँ पे जानकारी जो है आ चुका है, और जल्द जो है इसकी प्रक्रिया आप लोग का शुरू किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग दोस्तों की विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में एक तिहाई खाली पद है, इसके तहत 3854 पद पर नियुक्ति होनी है। वहीं विभाग में काम की अधिकता के कारण नए पदों का सृजन किया गया है। बीते महीने 2267 पदों का सृजन किया जा चुका है, पद वर्ग समिति से इसकी अनुशंसा मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पे जो है पहले जो आप लोग का पद था उसमें भी जो है लगभग एक तिहाई यहाँ पे जो पद है वो खाली था, और बाद में जो यहाँ पे और भी बहुत सारा पद यहाँ पे जो है नया बनाया गया है। लगभग 2267 जो यहाँ पे नया पद है वो आप लोग का सृजित किया गया है, नया पद आप लोग यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे दर्शकों की वहीं इसमें कुछ पद संविदा से भरे जाने हैं, इसके लिए 4026 पद की पहचान की गई है। इस तरह कुल 10,147 पदों पर बहाली की जानी है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो पुराना आप लोग का बहाली था उसमें भी बहुत सारा यहाँ पे पद खाली था, उसमें भी आप लोग का पद भरा जाएगा। साथ में यहाँ पे जो नया आप लोग का बहाली है वो भी यहाँ पे आप लोग का किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग का बताया कि कौन कौन सा पद रहने वाला है, उसके बाद में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से ये बहाली आप लोग का होने वाला है। यहाँ पे आप लोग को बता दोस्तों कि सबसे अधिक इंजीनियरों के पद पर होगी नियुक्ति। यानी दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पद आप लोग का रहने वाला है वो इंजीनियर का यहाँ पे पद रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग को बता दोस्तों बहाली होने वाले पदों में सबसे अधिक इंजीनियरों के पद है। इसमें कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के पद, इसके अलावा सेवियर क्लर्क चतुर्थवर्गीय पदों में हेल्पर चपरासी हेड क्लर्क चौकीदार कार्यालय परिचारी आदि पद है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो आप लोग का पद है वो इंजीनियर का यहाँ पे पद रहने वाला है। उसके बाद जो आप लोग का पद आता है दोस्तों उसमें क्लर्क होगा, और चतुर्थ वर्गीय यानी कि ग्रुप डी वाला यहाँ पे हेल्पर का पद रहने वाला है, चपरासी का पद रहने वाला है, हेड क्लर्क का यहाँ पे पद रहने वाला है, चौकीदार का पद रहने वाला है, कार्यालय परिचारी का यहाँ पे पद रहने वाला है। उसके बाद होता है दोस्तों की जबकि संविदा वाले पदों में ऑपरेटर आईटी बॉय क्वालिटी लैब असिस्टेंट रोड कुली के पद शामिल है। दोस्तों यहाँ पे जो है संविदा पे जो पद आप लोग का रहने वाला है उसमें आईटी बॉय रहेंगे, यानी आप मान सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, और क्वालिटी लैब असिस्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, क्वालिटी लैब खलासी यहाँ पे रहने वाला है। मेट का पद आप लोग का पहले भी आप लोग का जानकारी दिया गया था कि मेट के पद पे आप लोग का बहाली होने वाला है, और रोड कुली के पद पे आप लोग का बहाली होने वाला है, तो वो भी पद यहाँ पे आप लोग का रहने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग का जानकारी दिया गया है। अब ये बहाली किस तरीके से आप लोग का लिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग का जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को बता दो कि इसके बाद संविदा वाले पदों पे बहाली बेलेट्रॉन या एजेंसी के माध्यम से की जाएगी, जबकि अस्थायी पदों पर बहाली संबंधित बोर्ड आयोग के माध्यम से की जाएगी। इन दोस्तों यहाँ पे जो भी आप लोग का जो संविदा वाला पद है उसमें आप लोग का बेलेट्रॉन बहाली करेगी, या फिर जो है अलग से कोई यहाँ पे आप लोग का एजेंसी का चयन किया जाएगा वो एजेंसी आप लोग का बहाली करेगी, और जो आप लोग का परमानेंट वाला 6,000 जो पद है उस पद पे जो आप लोग का बोर्ड होगी यानी कि जिस भी विभाग का यहाँ पे पद रहेगा वो विभाग के द्वारा आप लोग का जो यहाँ पे बहाली है वो प्रक्रिया आप लोग का किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ये बहाली जो है जल्द आप लोग का आने वाला है, लेकिन अभी जो है आप लोग का डेट नहीं बताया गया कि कब से आप लोग का बहाली शुरू किया जाएगा, लेकिन ये जो है एक
बड़ी बहाली है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिर्फ मैट्रिक इंटर पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग का अपडेट जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।